बिराज औषधि बांध परियोजना नौकरी से निकाले गए परिवारों ने मरण व्रत पर बैठने की चेतावनी दे दी है। मलिकपुर स्थित जिलाधीश पठानकोट कार्यालय में पहुंचे औषधि परिवारों ने नौकरी पर बहाल किए जाने की मांग की और साथ ही अगर आने वाले समय पर उनकी मांगे ना मानी गई तो रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट का काम बंद करने की चेतावनी भी दी गई। अज सू जो 198 दिन साढ़े धरने जोड़ा भुख हड़ताल प्रवेश कर गया। अज जो पहल तो आप 5 to 6 जो मंग पत्र डीसी साहब पहल दे चुके हैं पर अज आप मंग पत्र नहीं अज आप परिवार समेत अपने सगे संबंधियों समेत तकरीबन 300 की कगार के जोड़े साढ़े सगे संबंधी साढ़े ना आ के अज याद पत्र देन आया। याद पत्र इस करके कि जोड़े मंग पत्र है वो कोई भी जी सरकार ने गौर नहीं फरमाई और जोड़ा जिला प्रशासन है ना तो साढ़े कोई सार लैन पहुँचा पर अज जोड़ा ये याद पत्र के नाल असी जिला प्रशासन से पंजाब सरकार को कहना चाहते हैं कि जे जल्द तो जल्द सानू बहाल नहीं किया गया नौकरी दे ते असी जिहड़े जिदा कि साडे जथेबंदियां दे आगू पहले कह के गए कि इस धरने की रूपरेखा बदलांगे ते जो भी उसकी उसका नुकसान होएगा या कुछ भी होएगा उसकी जिहड़ी जिम्मेवारी है सीधे से सीधे तौर पर जिला प्रशासन से पंजाब सरकार से डैम प्रशासन की होएगी। साडा कहना यह है भी अभी जो 32 मुलाजम जो कढ़े गए थे डैम औषधी जो शाबरकंडी बराज तो जिन्हां दीआं जमीनां विच आईआं सी घर विच अपने आए सी उन्हां नूं एक परिवार चों एक जणे नौकरी दित्ती सी उह सारे कागज़ पत्र वेख के कि उह 1115 एप्लीकेशन आईआं सी टोटल जिन्हां विचों 227 बंदे जिहड़े उदों रखे गए सी बाद च 2 जणे होर रखे 229 हो गए सी आए जिहड़ी झूठी जी एवें इक करके इक पड़ताल जी इक SDM ने सौरव रोड़े ने इन्हां लोकां ते कोई एलीगेशन नहीं कुछ भी नहीं इन्हां नूं नौकरी तो बाहर कढ दित्ता ते असीं 7 महीने तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार नूं भी लगातार आपां मंग पत्र भेजे आ पर सरकार ने कोई टस तो मस नहीं हुई क्यों ये कहिंदे आ कि असीं राज करदे आ असीं कहिंदे आ भी जिहड़े अफसरशाही राज आ मतलब ना MLA दा राज ना मंत्रियों दा राज ते ना CM दा राज जो अफसरशाही कहिंदी आ वो मुताबिक ही करते हैं क्यों असी बहुत सारे बारी अं इन्हों मिले भी हाँ असी मीटिंगा भी कीतिया ने पर अं एक हूँ अज एक चेतावनी देनी चाहते हैं पिछले दिनों काली दिवाली मनाई हाँ असी अज एक चेतावनी देनी चाहते हैं इन्हों पर जे सानू ना इन्हें बहाल किया 5-7 दिनों के असी शाबरकंडी का काम भी रोकेंगे तो इन्हों जे साथी ने यह कहें अं मरण वर्त से बह जाना फिर मरे तो अगे है ही अं परिवार समेत जरा उ मरण वत्ते बैठा जाएगा इस करके अभी धनवादी हाँ ताे भी जरा ये जरा धरने कवर करने वास्ते आए जे बख बख मीडिया जरा आया मैं इन्हों गल अपनी गल समाप्त कर रहा बड़ी ही नहीं लोग भलाई इंसाफ वेलफेयर सुसायटी संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का मैंबर सब तो पहला आप जी के चैनल का मैं बहुत बहुत धनवादी हाँ जिन्होंने साड़ी आवाज़ पंजाब सरकार तक जिला प्रशासन तक आम लोगों तक जी साड़ी आवाज़ जी तुसी पहुँचाउणी है। मैं अज ये दसना चाहुंना कि साढ़े जिहड़े मुलाजम मुंडे वीर साढ़े शाहपुरकंडी डैम ते धरने ते बैठे ने 198 दिन हो गए धरने ते बैठे हैं जिन्हां नूं अजे तक सरकार ने कोई भी विश्वास नहीं दवाया ना तो पठानकोट का प्रशासन उत्थे जाके इन्हां नूं कोई गल करके आया ना ही कोई इत्थे पंजाब सरकार का कोई नुमाइंदा उह धरने च पहुँचिया। जेकर मंत्री साहबानों एक दो मिले ने तो बस इन्नी कु गल कह गया तुहाड़ी पड़ताल चल रही है। मैं पंजाब सरकार तो यह गल पुछनी चाहुंना कि जेकर साड़ी पड़ताल चल रही है वो इन्नी ढिली मठी क्यों चल रही है। पहला ही इन्हां बच्चों जिवें छाननी चों दी आटा छानिया जांदा इवें इन्हां नूं छान के नौकरियां दित्तियां और 10-10 साल इन्हां ने नौकरियां कीतियां उस तों बाद इन्हां नूं कढ़िया गया। मान साहब एक दिन तुहाड़ी बाइट सुन रहा सां कि कह रहे से कि तुसीं मेरा परिवार हो तो मैं एक लाणेदार हाँ तुसीं मेरे नाल गल करो अज मीडिया दे रही लाणेदार तो यह पुछना चाहुंना लाणेदार साहब 200 दिनों के तुसीं साढ़े बच्चों नूं दोबारा नौकरियां ते क्यों नहीं बहाया क्योंकि पहला ही ये पॉलिसी तहत लगे हुए ने। मैं लाणेदार साहब नूं यह भी गल कहनी चाहुंना कि इन्हां बच्चों के भविख वल ध्यान किया जाए क्योंकि जे इन्हां बच्चों का भविख 200 दिन का जे देखा जाएगा तो इन्हां दे बच्चों दीआं फीसां और इन्हां दे परिवारां दे खर्चे जिन्हां ने अपनियां भैणां दीआं सादियां ते खर्च करना सी उह की करन इह सारा कुछ देखदे होए अज असी DC दफ्तर पहुँचे हाँ। प्रशासन नूं इह गल कहनी चाहुंदे हाँ कि पहलां बहुत मंग पत्र दित्ते ने
अज असी सरकार नू याद पत्र देन आए हाँ कि आ जिहड़ा याद पत्र है जिहड़ी सरकार सुती पई है प्रशासन सुता पिया जिहड़ी टीम बनी है इन्हां दी पंज मैंबरी कमेटी बनी है पड़ताल करन वास्ते उन्हां नू याद दवाउण वास्ते आए हाँ कि इन्हां बच्चियां दी जल्दी तो जल्दी पैरवाई करके इन्हां दी पड़ताल करके इन्हां नू इंसाफ दवाया जाए। जेकर ये इंसाफ जल्दी तो जल्दी ना होया आने वाले धरने की रूपरेखा बदलांगे जिहड़ा कि असी पहलां शांतमई तरीके नाल बैठे हाँ असी नहीं चाहते कि असी सड़कां ते आईए असी इस धरने की रूपरेखा नूं इन्ना बदलीए कि आम पब्लिक नूं परेशानी होवे पर सरकारां चाहुंदियां ने प्रशासन चाहुंदा कि इस शांतमई धरने नाल असी तुहाडे कोल नहीं पहुँचना सरकार ने काम नहीं करना। पर अज दे याद पत्र राहीं कहना चाहुंदे हां कि जेकर तुसीं इह साडी सुनवाई जल्दी ना कीती तां धरने की रूपरेखा बदलांगे जिम्मेवारी पंजाब सरकार ते जिला प्रशासन की होवेगी। ज्यादा हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल बहुत महंगा गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।